दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018-2020 एलडीसी भर्ती 2018, इसके अलावा बाहरी राज्य को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो जो हमारा संघर्ष जो लगातार चल रहा था जो रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018 के एक और सूची को लेकर, और कल उसमें हमें सफलता मिल गई, कल हमारी एक ऐतिहासिक जीत हो गई। एलडीसी भी पद कम किए गए थे उनके लिए भी, जो 24-25 फरवरी को हम जयपुर इकट्ठे हुए थे पिछले साल, तो इसी साल जब उनसे मैंने वादा किया था कि मैं आपका पूरा साथ दूंगा, उन लोगों को भी खुशखबरी मिल चुकी है। और जो भारी राज्य का कोटे के लिए लगातार 2018 फरवरी से अपने मामला स्टार्ट किया था, लगातार संघर्ष किया है, हर राज्य की पॉलिसी उठाई है, मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई है, मीडिया ने पूरा साथ दिया और उसमें हमें सफलता मिल चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, एक ऐतिहासिक एक फैसला है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार, और माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने एलडीसी वाले मामले में और रीट वाले मामले में सकारात्मक छात्र में फैसला लिया। कल मेरी मुलाकात हुई थी, तब मैंने उनको ये कहा था, साहब आप प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, विभाग रहे न रहे लेकिन जाते जाते लड़कों का, इन विद्यार्थियों का भला कर दो, तो उन्होंने श्याम को भला कर दिया। दोस्तों सोशल मीडिया पे एक चीज देख रहा था, किसी का लेटर वायरल करके कुछ लोग कह रहे थे कि रीट वाला काम उन्होंने करवा दिया, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा 30 जुलाई 2020 को मेरा सीएमओ से एक लेटर जारी हुआ था, उससे पहले सीएम संयुक्त सचिव साहब ने कह दिया था कि हाई कोर्ट की पेशली कॉपी आने दो, और उन्होंने कहा कि मैं आपका एडवोकेट बनकर पैरवी करूंगा जिसका परिणाम आपके सामने है। जो लोग कह रहे ना उनको खुला चैलेंज है, मेरे साथ चले सीएमओ में पता लग जाएगा किसने काम करवाया, रात दिन मेहनत की है, मैं आपके ग्रुप में नहीं था, आपके ग्रुप में जवाब इसलिए नहीं दे रहा था कि मैंने देखा कि मुझे तब उस दिन बुरा लगा कि हमने टीम बना दी, हमारी टीम मेहनत करी है, तब मुझे बुरा लगा, मैं सीएमओ में हाईकोर्ट की कॉपी लेके आ रहा हूँ, वहां से लेटर जारी करवा रहा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे कह रहे हम कर रहे काम, उसके बाद मैंने ग्रुप में जवाब देना बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने उन लोगों को भी जवाब देना था, मुझे चैलेंज मिला था कि 2017 में 2016 में सरकार 2017 संस्कृत विभाग वाले में डीबीएम चले गया, 16 उर्मिला कॉलोनी सुप्रीम कोर्ट में चले गया, 18 में डीबीएम जाएंगे, तब मैंने कसम खाई थी कि इन लोगों का मिथक तोड़ना है, इन लोगों को जवाब देना काम करके, मुंह लगा कर नहीं काम करके जवाब देना, उस दिन मैंने कसम खाई थी और रात दिन इस मामले में मेहनत कर रहा था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। और एक चीज और बता दूं आपको, इस मामले में सीएमओ में मैं जो सीएम सचिव साहब है उनसे मैं खुद नाराज होकर मैं आज के बाद मैं सीएमओ नहीं आऊंगा, और उन्होंने मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पूछाई कि उपेन यादव इस बात को लेकर नाराज है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला किया है। और इसके अलावा जो भाग रहे थे ना, ज्ञापन दे रहे थे, लोगों ने प्रयास किए, धन्यवाद, आप उनको पूछ लीजिए, चाहे कुलदीप हो, चाहे आपके लादूराम ढाका जी हो, मनीषा जी, उनको पूछ लीजिए, जो शुक्राम विष्णु जी के साथ मंत्री जी से मिलने गए थे, उन्होंने साफ मना कर दिया था नहीं निकालेंगे, साफ मना कर दिया, कहीं भी चला जाओ, कहीं भी चले जाओ आप। उसके बाद आप देखो बाजी कैसी बदली है, मैं चाहता हूं ये चीज कैसे हुई, मैंने मेरा वादा पूरा किया है, मैं चुप इसलिए बैठा था, कई लोग कह रहे तो पीन यादव जी आंदोलन करो सरकार के खिलाफ, की नहीं बोल रहे, पिछली बार कहते थे कि आप तो दूसरे पक्ष में हैं इसलिए मुख्यमंत्री जी नाराज है, मैंने कहा मैं इस बार मुख्यमंत्री जी के पक्ष में रहूंगा, न मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोलूंगा, काम करा के दिखाऊंगा। या जयपुर में घूम रहे तो उनको पता घर बैठे सोशल मीडिया पर पता नहीं काम कैसे हुआ, ये मेरी इज्जत का सवाल है, मैं सीएम संयुक्त सचिव साहब के सामने ललित कुमार जी के सामने यही कहता था मेरी इज्जत का सवाल है, साहब हाथ जोड़ता हूं मेरी इज्जत का सवाल है, आज वही कह रहे थे, मेरी कल भी बात हुई आज भी बात हुई, आपके सारे काम हो चुके, थोड़ा गुस्सा थोड़ा संयम रखा करो, सीएम साहब ने सारे काम किए। भारी राज्य वाला मामला किसका था, लगातार मैं उठा रहा था, पूरे प्रदेश को पता है, एलडीसी वाले मामले में लगातार मामला उठाया, तो सारे मामले हल हो चुके, ऐसे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ही मिलता है, धन्यवाद भी दूंगा, उनके होर्डिंग्स भी लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने संवेदनशील रहते हुए बेरोजगारों के हित में काम किया है। आपके सामने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018-2322 के आदेश नहीं हुए, हाईकोर्ट से निकल के आदेश नहीं हुए, बताइए मुख्यमंत्री जी नहीं किए कोरोना काल में, एलडीसी भर्ती 2018-12,000 पदों में उनके ज्वाइनिंग के आदेश नहीं हुए, एलडीसी आरपीएससी 2013 उनके ज्वाइनिंग के आदेश नहीं है, कृषि प्रयोगशाला प्रयोगशाला सहायक महिला सुपरवाइजर के आदेश नहीं है, फाइल ड्राइवर के आदेश नहीं हुए, 2-3 विज्ञप्तियां नहीं है, कोरोना काल में पहला राज्य है जो लगातार काम तो कर रहा है, हरियाणा मध्य प्रदेश आप कई महाराष्ट्र इन राज्यों में ये भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिए, जबकि मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एडवोकेट जनरल को कोर्ट में उतारा, चाहे आरएस भर्ती वाला मामला हो चाहे एसटी प्रकरण के तीनों भर्ती का मामला हो, समय एडवोकेट जनरल को उतारा है और भर्तियों का रास्ता खुला है, एक भर्ती कोर्ट में महिला अधिकारिता बाकी उसका भी एडवोकेट जनरल को उतारा, उसका भी फैसला जल्दी आ जाएगी, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब जब मैं उनके सामने सीएम जाके हाथ फैलाया बेरोजगारों के, जब जब मुझे न्याय मिला है और मैंने हर जगह ट्वीट करके सबको बताया,
और इसमें भी मेरी इज्जत माने ने मुख्यमंत्री जी रखी है, शिक्षा मंत्री रखी है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इस बार मैंने बड़ी तरीके से मेरे ऑफिस में कई बार उनको भी नहीं बताया, इनको भी नहीं बताया, क्योंकि यदि मेरी बात झूठी निकले तो आप ये वीडियो ले जाके मुख्यमंत्री जी के संशोधित ललित कुमार जी को पूछना मैंने क्या कहा था। मैं आप कहोगे मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा, मैंने कितनी मेहनत की आपको पता लग जाएगा, मुझे सफाई देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो घर बैठे बकवास कर रहे हैं ना, कितनी मेहनत की, मैंने अनशन किया, लाठिया कई जेल गए और लास्ट में भी कितनी मेहनत की, इसका परिणाम मिला है। आप तो नौकरी करने चल जाओगे लेकिन मुझे मुख्यमंत्री जी के क्या एहसान मुझे मानना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि उन्होंने मेरी इज्जत बताई। क्योंकि आप सोचिए जब 2016 में अपील सुप्रीम कोर्ट में कर दी, 17 में हाईकोर्ट में कर दी, तो आपको पता है इसमें भी अपील होना ही था, लेकिन हारी बाजी को कैसा जीता है, आप लोगों को जवाब दिया। सबसे बड़ा धोखा तो उनके साथ हुआ, कॉपी पेस्ट वालों के, मैं चुपचाप था, मैंने सोशल मीडिया पर कुछ नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, तो उन लोगों ने देखा कि उपेन यादव हट गया, उनके नहीं पता है उपेन यादव बहुत बड़ी चाल है, बिना बताए चुपचाप अपने तरीके से काम करके जवाब देगा। उन्होंने कह दिया सरकार डीबी में जाएगी, आप तैयारी करो, आप किनके चक्कर गुमराह किया, आज उनके मुंह पे तमाचा है, वो अपनी भर्ती को नहीं बचा पाए, किस मुंह से आप लोगों के सामने आएंगे। लेकिन ये जरूर है मैंने कल ही और आज सुबह 2016 साइंस मित वाला जो कोर्ट से फैसला आएगा, 2016 उर्मिला कुमारी वाला और जो डीबी में संस्कृत बाका गया वो, उनके लिए कहा है कि इनको नो अपील वापस, इनकी अपील वापस ली जाए, ये मैंने बात कल भी रखी है और आज भी रखी है, कोशिश करूंगा इन लोगों के लिए भी, 2016 का साइंस मेहनत का आएगा, कोशिश करूंगा उसकी अपील नहीं हो, और जो अपील की गई है उर्मिला कुमारी वाले सुप्रीम कोर्ट में, ये इसकी भी कोशिश करूंगा, इनकी भी याचिका वापस ली जाए। मैं तो 2012 जो शिक्षक भर्ती वाला मामला भी मैंने रखा है कि जो कोर्ट में गए थे याचिका उनका भी आदेश जारी किया, पूरी कोशिश कर रहा। खैर मुझे आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों का विश्वास था, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उन लोगों को जवाब दे पा रहा हूं जो लोग आपको गुमराह कर रहे थे डीबी में जाएगी, बहुत खुश हूं, आज असली संघर्ष की जीत हुई है। और जिन लोगों का गलत फहमी है वो कभी भी, मैं खुले भी कह रहा हूं चैलेंज है, वो कभी भी जयपुर आ जाए मेरे साथ, मैं सीएम ले जाऊंगा, बताऊंगा कैसे काम हुआ, फिर पता चल जाएगा। और जल्दी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने वाला हूं धन्यवाद देने के लिए उनके जवाब। इसके अलावा रीट 2020 को लेकर मुख्यमंत्री जी ने एक ही परीक्षा की वकालत की है, आपको पता मैंने एक बार पहले वीडियो में कहा कि मुख्यमंत्री जी एक एग्जाम चाहते हैं, हमने दोनों ऑप्शन रखे थे, कल ऑडियो में भी मैंने जिक्र कर दिया था, अखबारों में आ जाई होगी लेकिन ऑडियो में जिक्र कर दिया था, एक परीक्षा में विचार चल रहा, और पहले भी मैंने कहा था कि दोनों में से फाइनल होगा, क्योंकि हमने कहा था 95% या 90% जो बीए का वेटेज 5 या 10% होना चाहिए, या दो एग्जाम करवाते हैं तो उसमें भी बेरोजगारों को फायदा था, लेकिन हमने दोनों ऑप्शन रखे थे, और शायद अभी जो 7 तारीख को 3 बजे मीटिंग होने वाली है उसमें फाइनल पैटर्न तय हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रदर्शन किया शांतिपूर्वक, बात रखी मुख्यमंत्री तक, बात पूछाई और शिक्षा मंत्री जी से मिले, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने तुरंत हमारे सामने ही 7 तारीख को 3 बजे अधिकारियों की मीटिंग रखी है, चाहे कंप्यूटर शिक्षा भर्ती का मामला हो, चाहे रीट 2020 का मामला हो, विज्ञप्ति पैटर्न परीक्षा तिथि का मामला हो, उसका अच्छा नई स्कूल व्याख्या का मामला हो, मैं खुद मिल गया था, पहले हमने आवाज कोरोना काल में भी बैठा नहीं है, आवाज उठाई है। लोग कह रहे थे लेवल 2 का मामला क्यों नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता लेवल 2 का मामला पॉजिटिव, मुझे सीएम संयुक्त सचिव साहब ने कहा था चुप रहो आपको परिणाम मिलेगा। कल जैसे मुझे पता चला सबसे पहले मैंने ट्वीट किया, सबसे पहले ऑडियो डाला, लेकिन मैंने ये भी आपने ट्वीट देखा कि प्रेस नोट जारी हो जाएगा, क्यों पता था, हर चीज का मुझे पता था, लेकिन हमारी जो मैंने इशारा किया था कि हमें खुशखबरी मिलेगी, स्पष्ट इसलिए नहीं बोल सकता था, मुख्यमंत्री जी बड़े हैं, उनका प्रेस नोट आना जरूरी था पहले, और मुख्यमंत्री जी ने हम सबको बड़ी सौगात दी। आज रात 4:30 बजे तक मैं जगा हूं, अन्य राज्यों की जो 20 राज्यों की पॉलिसियां मेरे दोस्तों के सहयोग से वो सारी इकट्ठी की है, और वो पॉलिसी अब मैंने वापस पूछी, अब टाइम देख लीजिए, 6 बजे वापस उठ के आता, 4:30 बजे सो के 6 बजे वापस उठ के सारे कागज पूछे 12 राज्य वाले, और उस पर आज मीटिंग है और उस पर कार्रवाई हो रही है, और माननीय मुख्यमंत्री इस पर बहुत जल्द फैसला लेने वाले हैं, जल्द उसमें भी हमारी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। मैंने कोरोना काल में भी बेरोजगारों के लिए संघर्ष किया घर से निकलकर, कल मैं सुबह मंत्रियों से मिलने के आने के बाद मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, मैं शायद मुझे कई सालों बाद याद आया होगा कि मैं पहली बार मैं 2 घंटे सोया फोन बंद करके, मैंने सोचा कोरोना तो नहीं हो गया, मैं लोगों से मिलता हूँ, फिर उसके बाद मेरी तबीयत बिल्कुल सही हुई
उसके बाद मुझे अच्छी खबर मिली तो पूरी तबीयत सही हो गई। रात में जगह बाहरी राज्य वालों के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो और भी मामले हैं उनके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, रीट 2020 के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसकी विज्ञप्ति जारी हो, परीक्षा तिथि जारी हो, पैटर्न जारी हो। लेकिन एक पेपर होता है, वेटेज कम किया जाता है, तो भी हमें फायदा है कि वेटेज कम होने की, कम करने की हमारी सबसे बड़ी मांग थी, वो हमारी लड़ाई थी वेटेज कम वाली भी, क्योंकि वेटेज कम होते लोग धनी मत बन जाना कि हमने करवा दिया, कॉमर्स वालों को शामिल करने की हमारी मांग थी। तो दोस्तों एक चीज हो रहा है, मेरे पास रीट लेवल फर्स्ट वाले भी आए थे, मैंने उनको एक बात की थी, जिस दिन लेवल टू का रास्ता खुल जाएगा फर्स्ट का भी खुल जाएगा, एक बात की थी, और आप देख लीजिए वो बात पूरी हो गई है। फर्स्ट लेवल टू का रास्ता खुलते हैं, लेवल फर्स्ट का भी रास्ता खुल गया है। यदि लेवल टू का रास्ता नहीं खुलता तो लेवल फर्स्ट का रास्ता कभी नहीं खुलता। किन लोगों का गलत फहमी होना कि हमने करवा दिया, तो आप सोच लीजिए रीट लेवल टू का रास्ता नहीं खुलता तो आप दिल पे हाथ रख के सोचिए क्या लेवल फर्स्ट का रास्ता खुल जाता क्या? कदापि नहीं खुलता, कभी नहीं खुलता। लेकिन जैसे ही लेवल टू का खुला, आपका रास्ता खुलगा, आपको भी खुशखबरी मिली है। धन्यवाद दो हमारे लेवल टू के अभ्यर्थियों को जो संघर्ष करे थे, जो हमने लगातार प्रयास किया, और आपको भी इसमें सफलता मिली, आपको भी शुभकामनाएं। आप ये ना सोचिए कि मैंने आपका साथ नहीं दिया, मैंने जहां तक कोशिश हुई मैंने हर व्यक्ति का साथ दिया है। लेवल टू का रास्ता खुलने का मतलब आपकी जीत होना, आपकी जीत हो गई। तो दोस्तों ये वीडियो इसलिए कि अभी सोशल मीडिया पर मैंने देखा किसी का लेटर वायरल होते उन्होंने करवाया, तो वो ज्यादा ज्ञानी है तो मेरे साथ आ जाए, मैं बता दूंगा। मैं तो आज भी सीएम हो जाऊंगा, मैंने तो अभी कागज देके आया हूँ कुछ बाहरी राज्य वाले। ये खून पसीने की संघर्ष का परिणाम है, ये माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी का उपकार है। और ज्यादा जानकारी के लिए उनको पूछ लीजिए, जो सुखराम जी विश्नोई जी के साथ कुछ लोग गए थे, उन्होंने मंत्री जी ने क्या कहा था, साफ मना कर दिया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी सकारात्मक बात रखी गई, मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी के सामने सकारात्मक बात रखी गई, मुख्यमंत्री जी के, तो वो सारी चीजों का प्लानिंग से, रणनीति से शांतिपूर्वक बात रखी गई और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। अब यही है, आपसे मेरा निवेदन है, जब भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना हो, जब भी आप लोगों को बुलाएं तो आपको आना है। लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना कह सकता हूं कि 7 तारीख को आपको सुबह 10 बजे ज्यादा संख्या में आना है। हम एक रैली के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताएंगे, और जिससे हमारी लिस्ट भी जल्द से जल्द जारी हो, जल्द से जल्द आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया हो। तो 7 तारीख को हम प्रोग्राम रखें, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताएंगे। हालांकि एक और प्रोग्राम है, लेकिन आभार जताने वाला प्रोग्राम भी साथ को ही रख रहे हैं कि संख्या ज्यादा रहेगी तो मुख्यमंत्री तक मैसेज जाएगा। मुख्यमंत्री से जब मुलाकात होगी तब भी आपको मैं बता दूंगा, लेकिन कल हम लोग सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए 7 तारीख को और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताएंगे। आप सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर आना है, और स्थान मैं मैसेज कर दूंगा। तो आप, क्योंकि अब जीत की जश्न की बारी है, वो मुझे पल याद है, अनशन के दौरान आईसीयू में जब मैं गया, मुझे वो पल याद है जब मैं 25 नवंबर को जेल गया, मुझे वो पल याद है मैं सीएम में जाके मैं निवेदन करता था मेरी इज्जत का सवाल है, और मुझे पल कल का याद है जब जीत मिला जश्न, मैं खुशी से नींद नहीं आई, इतना झूम उठा, और शायद मेरे 2 मिनट 15 सेकंड के ऑडियो ने भी आपको मैसेज दे दिया होगा। तो उन लोगों के लिए जवाब है जो घर बैठ के जो आप लोगों को गुमराह कर रहे थे, लोगों को मुंह तमाचा है। हाँ, जो लोग उनकी बातों में आए थे, चाहे 2016 वाले हो चाहे 17 वाले, उनकी मैं पूरी मदद करूंगा। मैंने बात रख दी है, एक बार पुनः मैं आपकी बात रखूंगा, कोशिश करूंगा, नो बेल हो, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को राहत मिले। 2020 की विज्ञप्ति भी जल्द जल्द जारी होगी, उनकी भी आवाज़ उठाइए, और उस आवाज़ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 तारीख को 3 बजे अधिकारियों की मीटिंग ली है। मैं आप सबके लोगों के साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत।